आखिरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को अपने एक हेलीकॉप्टर का खरीदार मिल ही गया। इसके लिए निजी विमानन कंपनी डेक्कन एयरवेज मुंबई से 2.36 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। कंपनी ने 25% राशि 59 लाख रुपए जमा करा के MOU भी साइन कर लिया है। कंपनी ने बाकी की राशि 90 दिन में जमा कराने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार का हेलीकॉप्टर बेल 430 साल 2003 में दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस दौरान इसमें प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल समेत अन्य VVIP सवार थे, जिसमें वो घायल हो गए थे। बाद में सरकार ने इस हेलीकॉप्टर को दुरुस्त करवाया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे सही नहीं माना गया। तब से ये हेलीकॉप्टर स्टेट हैंगर पर खड़ा हुआ है। सरकार इस हेलीकॉप्टर को लंबे समय से बेचने की कोशिश में थी, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। 2016 में जब इस हेलीकॉप्टर को बेचने की कोशिश हुई, तब इस हेलीकॉप्टर की कीमत 10 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। इस हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए सरकार 7 बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से इसके खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। नतीजतन सरकार ने इस हेलीकॉप्टर की कीमत घटाई, तब कहीं जाकर इस हेलीकॉप्टर को बेचने में कामयाबी मिली है। अब इस हेलीकॉप्टर का सौदा 2.36 करोड़ में हुआ है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर ने सरकार को 60 लाख रुपए का मुनाफा भी करवाया है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने धरोहर राशि जमा की, लेकिन बाद में वो इसे ले नहीं सकी और इस तरह सरकार को 60 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। अब एक बार फिर से मुंबई की कंपनी ने 25% राशि 59 लाख रुपए जमा करवाए हैं। शेष राशि कंपनी 90 दिन के अंदर जमा करवाएगी। राशि जमा करवाते ही शिवराज सरकार कंपनी को हेलीकॉप्टर और उससे जुड़े पार्ट्स उपलब्ध करवा देगी।